जम गए। स्टार प्लेयर्स को सकाफती रंग बिखेरते सजे संवरे और चमचमाते रिक्शों की सवारी कराई गई। रक्षा बंद हुआ तो डैरेन सैमी ने उतरकर धक्का भी लगाया। पनामा अकामा नया सियासत का हंगामा, हर जबान पर बस क्रिकेट का फसाना। मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल, कौम खुशी से निहाल। किसी ने फेस पेंटिंग कराई तो किसी ने झंडे से तैयार लिबास पहना। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। गुजरावाला के पहलवान भी सज धज कर स्टेडियम पहुंच गए। सिख बरादरी भी पुरजोश। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी वर्ल्ड इलेवन पाकिस्तान क्रिकेट वर्सेज पाकिस्तान क्रिकेट। श्रीलंका में कुछ लोग मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन टीम की पाकिस्तान आमद तय हो चुकी है। चेयरमैन पीसीबी ने पाकिस्तानियों को एक और खुशखबरी सुना दी। कहते हैं वर्ल्ड 11 को पाकिस्तान लाने में बहुत मुश्किलात थी। तगड़े मुकाबले की तगड़ी कवरेज। आज न्यूज की रिपोर्टिंग टीम और तज्जियाकारों ने नाजरीन को रखा लम्हा बा लम्हा बा खबर। फैंस के तासुरात हों, सिक्योरिटी सूरत हाल या खिलाड़ियों की तैयारियां, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए आज न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 के हाई वोल्टेज टाकरे के बाईस NA 120 की इंतखाबी सरगर्मियां मांग पड़ गईं। मरियम नवाज ने भी आज रैली नहीं निकाली। कारकुनों से खिताब में कहा, नवाज शरीफ की मेहनत की वजह से आज क्रिकेट के मैदानों में रौनक आई। आज नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं है, मगर आज उसके 4.5 साल की मेहनत के बाद आज पाकिस्तान के खेल के मैदान भी रौनक उनमें भी लगी हुई है, क्रिकेट हो रही है। पनामा फैसले पर नजरेसानी के लिए चीफ जस्टिस ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा सरबराही करेंगे। बेंच की तश्कील के लिए शरीफ फैमिली ने दरखास्त की थी। शरीफ खानदान और इसहाक डार के खिलाफ नैब के रेफरेंसेस में गलतियों का इंकशाफ। एहतसाब अदालत ने रेफरेंसेस नैब को वापस कर दिए। गलतियां दूर की जाएं, रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत की हिदायत। बनी गाला जायदाद तोहफे में देने और तोहफा वसूल करने का डिक्लेरेशन कहाँ है? अगर ये तोहफा नहीं तो फिर बेनामी है। कर्ज की रकम असासा होती है। इमरान खान ने कागजात नामजदगी और टैक्स रिटर्न्स में क्यों नहीं बताया? नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। नईम बुखारी ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत मांग ली। मर्दमशुमारी पर किसी को तहफ्फुज़ात हैं तो निशानदही करे, सियासत ना चमकाई जाए। कराची से भत्ताखोरी और टारगेट किलिंग का खात्मा हो चुका, वजीर दाखला की गुफ्तगू। कहते हैं ख्वाजा इजहार पर हमले में मुलव्वस तंजीम के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। इजहार साहब के ऊपर कातलाना हमले के नतीजे में उसे काफी हद तक, बड़ी हद तक मैं कहूँगा, काबू कर लिया गया है और चंद एक लोग उसके मफरूर हैं और उनका भी बहुत तेजी से घेरा किया जा रहा है। अंसारुल शरिया के हलाक दहशतगर्द हसान के गिरफ्तार वालिद को तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। प्रोफेसर नजीर आलम से तफ्तीशी इदारों ने 10 रोज तक तहकीकात की। कराची में मालूमात सियासी जमात के दहशतगर्दों को देने का इल्जाम। चौधरी असलम के करीबी साथी और साबिक इंचार्ज CTD अली रजा मुलाजमत से फारिग। नई अमरीकी पॉलिसी के बाद पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म। वजीर खारिजा चीन और ईरान के बाद तुर्की पहुंच गए। वजीर आजम बिन अली यल्दरम से मुलाकात की। बिन अली यल्दरम ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी काविशों को सराहा और कहा कि अफगानिस्तान के मसले पर पाकिस्तान की हिमायत करते हैं। भारी भरकम मराक, मगर इजलास में अरकीन की अदम दिलचस्पी। कौमी असेंबली में कोरम का मसला खड़ा हो गया। हुकूमती अरकान की गैर हाजिरी पर ओपोजिशन लीडर का पारा हाई। स्पीकर आया सादिक भी नाराज, इजलास कल तक मुलतवी।
रावलपिंडी में चक्री इंटरचेंज के करीब वैन और ट्रेलर में हौलनाक तसादुम, वैन में आग लग गई, चार बच्चों समेत 14 अफराद जां बहक, 5 जख्मी। कराची में ट्रक की वैन को टक्कर, 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। टीचर्स एक्शन कमेटी का मुतालबात के हक में कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज, मुजाहिरीन की वजीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने मुजाहिरीन को धो डाला, लाठियां भी बरसाई, मुतादिद असातजा जख्मी हो गए। हुकूमत ने शुगर मिल्स मालिकान के सामने घुटने टेक ही दिए, 3 मरहलों में 15 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी और इस पर 10 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट ने एमडी खैबर बैंक की बरतरफी रोकने का हुक्म दे दिया। केबी के हुकूमत ने शमसुल कयूम को सूबाई वजीर खजाना के खिलाफ इश्तिहार देने पर बरतरफ किया था। पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में जिवानी के करीब नायाब तरीन बेल सामने आ गई, मच्छेरों ने वीडियो बना ली। म्यांमार हुकूमत रोहिंग्या मुसलमानों को वापसी का महफूज रास्ता दे और सूरत हाल का सामना तहम्मुल से करे, बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद का मुतालबा, अमरीका की भी मुसलमानों पर मजालिम पर तशवीश का इजहार। समंदरी तूफान इरमा ने जहां जमीनी इलाकों में तबाही मचाई वहीं साहिलों का नक्शा भी बदल दिया, तूफान से कबल जहां नीलगू पानी था वहां साहिल रेगिस्तान का मंजर पेश करने लगे। फैसला आपका में किया, ये तो इतनी खतरनाक और खौफनाक टीम है कि मुझे डर लग रहा है आसमां कि ये ना हो कि हमारी पिटाई ना हो जाए। आफ्टर वर्ल्ड चैंपियंस हैं और अब हमने तो अपनी रेपुटेशन भी मेंटेन करनी है। सर हो जाए लेकिन वो आ गए, ये बड़ी बात है। बिल्कुल सही कह रही हो, मैं यही कह रहा हूँ कि जीत हार तो होती है मगर इनका आना जो है ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए आए, ये सिर्फ क्रिकेट खेलने नहीं आए, वो तो खेलेंगे ही, बड़ी टफ फाइट देंगे। आज इसलाक ने सुबह यही कहा कि आपका ख्याल है कि हम तो आपको सब सिखाएंगे कुछ, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। वाइल्ड 11 और शाहीनों में हाई वोल्टेज टाकरा तख्ते लाहौर के दूसरे बड़े मौके पर बाजी ले गया है। क्रिकेट के बड़े टाकरे ने NA 120 के इंतखाबी टाकरे को गहन लगा दिया है। टीवी स्क्रीन पर न इश्तियाल अंगेज तकारीर सुनाई दी और न ही इल्जामात की बारिश दिखाई दी, नजर आई तो सिर्फ चौकों छक्कों की बरसात। लाहौर के तारीखी कजाफी स्टेडियम में बैन अलावामी क्रिकेट का मेला सजा, तो इसी शहर की गलियों में जारी बहुत बड़ी इलेक्शन मुहिम की सरगर्मियां मांद पड़ गईं। ना तो गलियों में इंतखाबी रैलियों और नारेबाजी का शोर सुनाई दिया, न ही टीवी की स्क्रीन पर इल्जाम लगाते सियासतदान दिखाई दिए। साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज तो हसब मामूल बाहर निकली लेकिन ना तो आज रैली निकाली गई और ना किसी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह हुआ बल्कि एक मकामी हॉल में छोटे से मजमे से खिताब किया। 17 सितंबर को जब डब्बे खुलेंगे तो क्या निकलेगा, तो अगर यही जज्बा रहा जो मैं दिन रात देख रही हूँ, यही मोहब्बत रही, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ को चौथी मर्तबा भी वज़ीर-ए-आज़म बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन PTI और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के उम्मीदवार तो शायद इंतखाबी मुहिम आरजी मुअत्तल करके आजादी कप एंजॉय करते रहे। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक उम्मीदवार 15 सितंबर रात 12 बजे तक मुहिम चला सकते हैं। और वेलकम बैक नाज़रीन, आपको खबर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा केस फैसले पर नजरसानी अपील सुनने के लिए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। इस बेंच की सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा करेंगे। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पैनामा फैसले पर नजरसानी की दरखास्तों की समाअत की, तो नवाज शरीफ के बच्चों के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो इस बेंच के मेंबर ही नहीं थे उन्होंने भी फैसला सुनाया। 5 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील पहले सुनी जाए। 3 रुकनी बेंच का फैसला 5 रुकनी बेंच के फैसले में जम हो गया था। 3 रुकनी बेंच से रिलीफ मिल भी जाए तो 5 रुकनी बेंच का फैसला बरकरार रहेगा। इस्तेदा है कि 5 रुकनी बेंच नजरसानी अपील की समाअत करे। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि फैसला कुन जजमेंट तो 3 रुकनी बेंच ने दी, अगर 3 रुकनी बेंच अपना फैसला तब्दील कर ले तो
ऑर्डर भी तब्दील हो जाएगा। सलमान अकरम राजा ने 5 रुकनी बेंच के दोबारा इकट्ठे होने पर सवाल उठाया, जिस पर अदालत ने 5 रुकनी लाजमी बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। समाअत मुलतवी होने के कमोबेश 3 घंटे बाद चीफ जस्टिस साकिब निसार ने लाजमी बेंच बनाने की मंजूरी दे दी। लाजमी बेंच की सरबराही जस्टिस आसिफ सईद खोसा करेंगे, जबकि मेंबरान में जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस एजाज अफजल, जस्टिस अजमत सईद और जस्टिस एजाजुल अहसन हिस्सा होंगे। पैनामा फैसले पर नजरसानी की दरखास्तों की आइंदा समाअत लाजर बेंच ही करेगा। रावलपिंडी की एक कसाब अदालत ने शरीफ फैमिली के खिलाफ दायर किए गए रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिए हैं और हुकाम को रेफरेंस से तमाम गलतियां दूर करने की हिदायत की है, जबकि दूसरी तरफ तर्जुमान नैब का कहना यह है कि एक रेफरेंस मंजूर कर लिया गया है। एहतसाब अदालत के रजिस्ट्रार की जानिब से शरीफ फैमिली के खिलाफ दायर रेफरेंसेस की जांच पड़ताल के दौरान एतराजात सामने आए, जिस पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने नैब को रेफरेंसेस में निशानदेही की गई खामियों को दूर करके दोबारा दायर करने की हिदायत की है। सराय के मुताबिक नैब की दस्तावेजात के इंडेक्स में कई चीजों के हवाले मौजूद हैं, लेकिन ये रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं। दूसरी जानिब तर्जुमान नैब की जानिब से जारी बयान में चारों रेफरेंसेस की वापसी की तर्दीद करते हुए कहा गया है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ एक रेफरेंस मंजूर कर लिया गया है, 3 रेफरेंसेस पर मामूली एतराज लगाए गए हैं जिन्हें जल्द दूर कर लिया जाएगा। अब आपको बता दें कि इमरान खान नाअहली केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि कर्ज की रकम असासा होती है, लेकिन इमरान खान ने यह कर्ज ना तो कागजात नामजदगी में जाहिर किया और ना ही टैक्स रिटर्न्स में बताया। अगर बनी गाला की जायदाद तोहफा नहीं तो फिर ये बेनामी थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान नाअहली केस की समाअत की। बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार ने जमायमा से रकम मिलने की तस्दीक शुदा दस्तावेज पर इस्तफसार किया और कहा कि हर दस्तावेज में अलग बात की गई है, केस में कहीं भी राशिद खान का नाम नहीं है। इमरान खान ने अपने जवाब में बनी गाला की जायदाद कर्ज से लेने का बताया और कर्ज असासा होती है, लेकिन मुफस्सिल जवाब में फ्लैट फरोख्त करके बनी गाला जायदाद खरीदने का बताया गया। इमरान खान की साबिक अहलिया जमायमा के अकाउंट से $16,000 की मुंतकली के तस्दीक शुदा दस्तावेजात के हवाले से नईम बुखारी का कहना था कि रकम की मुंतकली के पाकिस्तानी रुपयों में सबूत हैं और $1,26,000 की मुंतकली की कोई दस्तावेज नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी जानिब से पेश की गई दस्तावेजात फोटोकॉपियां हैं, रकम जमायमा को वापस करने के हवाले से कोई ट्रांजेक्शन नहीं बल्कि सिर्फ एक खत है, रकम की तरसील से मुतालिक पेश करदा दस्तावेज का मुसद्दका होना भी एक सवाल है। नईम बुखारी ने दलाइल देते हुए बताया कि यह फैमिली का अंदरूनी मामला था, अदालत 2 हफ्ते की मोहलत दे ताकि दस्तावेजात फराहम की जाएं, जिस पर अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी। और न्यूज़ में अब आपको खबर दें कि एमकेएम रहनुमा ख्वाजा इजहार पर हमले के बाद मुबैना मुकाबले में हलाक होने वाले मुलजिम हसन के वालिद नज़ीर को तफ्तीश के बाद रिहा कर दिया गया। 10 रोज कबल ख्वाजा इजहारुल हसन पर हमला करने वाला मुलजिम हसन मुबैना मुकाबले में मारा गया था। हलाक दहशतगर्द हसन के वालिद नज़ीर आलम को तफ्तीशी इदारों ने हिरासत में लेकर पूछगछ की और हसन की तमाम तालीमी असनाद हासिल कर ली। ये भी मालूम हुआ है कि हलाक हमलावर हसन के करीबी रिश्तेदार जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में तालिबिल्म भी हैं। हसन आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ पोजीशन होल्डर भी था। हसन गुज़िश्ता साल से मुलजिम अब्दुल करीम सरोज से राब्ते में था। हसन के दीगर गिरफ्तार और मफरूज साथियों समेत अंसारुल शरिया के नेटवर्क के खिलाफ तहकीकात जारी। वेलकम बैक। बड़ी खबर आ रही है, वफाकी काबीना ने बड़ा फैसला किया है। फैसला ये है कि आला अदलिया का दायरा कार फाटा तक बढ़ाया जाएगा और इसका बिल लाने का फैसला किया गया है। फाटा का बिल पार्लियामेंट के इजलास में पेश किया जाएगा और काबीना के इजलास की सदारत वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कर रहे थे। इस्लामाबाद से खबर आपको दे रहे हैं कि वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास खत्म हो चुका है। आला अदलिया का दायरा कार फाटा तक बढ़ाने का बिल लाने का इस इजलास में फैसला किया गया है। फाटा का बिल पार्लियामेंट के इजलास में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार इसके तहत जो है वो अब फाटा तक बढ़ा दिया जाएगा इस बिल के तहत। बात करेंगे वफाकी वजीर दाखला एहसन इकबाल की, जिन्होंने कहा कि मर्दम शुमारी पर किसी को तहफुजात हैं तो निशानदही करें। उनका कहना था कि अहम कौमी उमूर पर सियासत नहीं चमकानी चाहिए। ख्वाजा इजहार पर हमले में मुलविस तंजीम को बड़ी हद तक काबू कर लिया है। सऊद बिन मुर्तजा मजीद बताएंगे।
कराची में मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल का कहना था कि ख्वाजा इजहार पर हमले में सामने आने वाली तंजीम को बड़ी हद तक काबू कर लिया है, बाकी मुलजिमान भी जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे। ये जो नया ग्रुप हमें मिला ख्वाजा इजहार साहब के ऊपर कातलाना हमले के नतीजे में, उसे काफ़ी हद तक, बड़ी हद तक मैं कहूँगा काबू कर लिया गया है और चंद एक लोग उसके मफरूर हैं और उनका भी बहुत तेज़ी से घेरा किया जा रहा है और पीछा किया जा रहा है। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी सुनाएंगे कि ये पूरा ग्रोह बस्ट किया जा चुका है। उन्होंने कहा मर्दमशुमारी पर किसी को तहफ़ुज़ात हैं तो निशानदेही की जाए, कौमी मामले पर सियासत ना की जाए। एहसन इकबाल ने दौरा कराची के दूसरे रोज कोस्ट गार्ड का दौरा किया। साइट के इलाके में नादरा के तीसरे मेगा सेंटर का अफ्तिता, गार्डन के इलाके में फातिमा जिना कॉलेज का दौरा किया, आईजी सिंध समेत दीगर से मुलाकात की। नाज़रीन, हुकूमत ने शुगर मिल्स मालिकान के सामने घुटने टेक दिए हैं। 3 मरहलों में 15 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाजत दे दी गई है, जिस पर 10 रुपए फी किलो सब्सिडी भी दी जाएगी। हुकूमत ने शुगर मिल्स मालकान की जिद के सामने हार मान ली, चीनी टनों के हिसाब से बरामद करने की इजाजत दे दी। सरकारी इजाजत के बाद मिल्स मालकान 3 मरहलों में 15 लाख टन चीनी बरामद करेंगे, जिस पर हुकूमत की जानिब से 10 रुपए फी किलो सब्सिडी भी दी जाएगी। तहम आलमी मार्केट में चीनी की कीमत $500 फी टन पर पहुंचने के बाद ये सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। इससे कबल शुगर मिल्स मालकान ने बुलंद पैदावार लागत को जवाब बनाकर मार्केट में चीनी की फरामी बंद कर दी थी, जिसके बाद मुल्क में चीनी की कीमत 65 रुपए फी किलो तक पहुँच गयी। वो आपको बताते हैं कि अवामी टैक्सों से भारी भरकम तनख्वाहें और मरात वसूल करने वाले अरकीन कौमी असेंबली की इजलास में दिलचस्पी इतनी है कि एक बार फिर कोरम का मसला पैदा हो गया है। उजरा की गैर हाजिरी पर स्पीकर असेंबली अयाज सादिक नाराज दिखाई दिए, जबकि अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने इजलास गैर मुयना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का मशवरा दिया। कोरम पूरा न होने पर इजलास कल सुबह 10 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि शरीफ फैमिली की 3 शुगर मिल्स गैर कानूनी तौर पर जनूबी पंजाब के इलाकों में मुंतकिल करने और हल्का NA-120 की इंतखाबी मुहिम में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल पर अपोजिशन की जानिब से ऐवान में हंगामा आरई की गई। हुकूमती अरकान ने भी तहरीक इंसाफ को शुगर माफिया करार दे दिया। पंजाब असेंबली इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर महमूदुर रशीद ने नुक्ता एतराज पर बात करते हुए कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद वजीर आला पंजाब को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। उनका कहना था कि वजीर आला शहबाज शरीफ ने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हुए शुगर मिलों को जनूबी पंजाब मुंतकिल किया। अपोजिशन की तरफ से ऐवान में शदीद नारेबाजी भी की गयी। आप इस्तीफा दे दें, लेकिन वो बेफिक्र है। सूबाई वजीर इंसानी हकूक खलील ताहिर सिंधु ने ईवान को बताया कि शुगर मिल की मुंतकली के हवाले से हाई कोर्ट के फैसले को जल्द सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। उन्होंने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर शुगर माफिया से ताल्लुक रखने का इल्जाम भी लगाया। स्पीकर, आजकल ये जो वोट मांगते हैं वो भी अदालतों के नाम पे, मेरी उनसे गुजारिश है खुदा के लिए मुल्क के इदारों को सियासी में इस तरह से ना लाएं, ये बड़ी आप गलत रवायत डाल रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से लाहौर के हल्का NA-120 में होने वाले जिमनी इंतखाबात में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल से मुतालिक इल्जामात पर हुकूमती अराकीन असम्बली का कहना था कि शिकस्त के खौफ से मुखालफिन इंतखाबात से पहले ही बुकलाहट का शिकार हैं। समंदरी तूफान इरमा ने जहां वसी पैमाने पर तबाही मचाई, वहीं कई साहिली इलाके खुश्क भी कर दिए। बहामास का साहिली इलाका मुकम्मल खुश्क हो चुका है, समंदर की खुश्क तह दूर से ही नजर आ रही है। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा समेत क्यूबा और दीगर ममालिक के साहिली इलाकों को तहस नहस करने वाले समंदरी तूफान इरमा के गुजर जाने के बाद कई अजीब व गरीब और हैरत अंगेज वाकयात पेश आए हैं। ये बहामास का साहिली इलाका है जो अब मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है। समंदरी तूफान इरमा से कबल इसकी हालत कुछ ऐसी थी, हर तरफ नीलगू पानी ही पानी था, मगर अब यहाँ समंदर साफ नजर आ रही है। मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि ये कुदरती मंजर है जो सदियों बाद। समंदरी तूफान में हवा का दबाव बहुत कम होता है
और इस तूफान के मरकज में कम दबाव वाला हिस्सा अपने इर्द गिर्द की हवा को बहुत तेजी से अपनी तरफ खींचता है और समंदरी तूफान के मरकज के करीब कोई ऐसा इलाका जहां समंदर की गहराई कम हो तो चंद घंटों या दिनों के लिए उस मकाम से पानी खुश्क हो जाता है। बाद में पानी की सूरत हाल मामूल पर आ जाती है और ऐसा ही कुछ हुआ है बहामास।